नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। छटनी के विरोध में नगर निगम के कर्मचारी आज नगर निगम करनाल के कार्यालय के प्रांगण में भूख हड़ताल वो धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे नगर निगम के कर्मचारियों ने कहा कि प्रशासन द्वारा ऐसे कर्मचारियों की छटनी की जा रही है जो पिछले 10 से अधिक वर्षों से भी काम कर रहे हैं। उनको एकदम से निकाल देना उनके पेट पर लात मारने के बराबर है, जो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि छटनी के विरोध में प्रदेश भर के करीब 30,000 से अधिक कर्मचारी 3 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। इस दौरान करनाल में 11 से अधिक कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसमें महिलाएं भी मौजूद थी। उन्होंने मौजूदा सरकार, नेताओं तथा ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार व प्रशासन की मिलीभगत से और प्रदेश के कई जिलों में ठेका प्रथा के जरिए कई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि उनके बदले पिछले दरवाजे से सरकार व प्रशासन अपने चहेतों को लगाना चाहती है। ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने कहा कि ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों का पीएफ भी जमा नहीं करवाया गया, जो सरासर गलत है। प्रदेश कमेटी के आह्वान पर वह 3 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। यदि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन लंबी लड़ाई का रूप ले सकता है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि करनाल में कहीं पर भी सफाई व्यवस्था को बाधित नहीं किया जा रहा है, लेकिन सरकार उनका पक्ष सुनने को तैयार नहीं है, जिसके विरोध में वो यहां पर बैठे हैं। आगामी दिन 11 से अधिक लोग भूख हड़ताल पर होंगे और उससे अगले दिन और अधिक कर्मचारी भूख हड़ताल पर होंगे। सरकार की तानाशाही और मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि सुनवाई नहीं हुई तो प्रदेश के 32,000 से अधिक कर्मचारी आगामी रणनीति अपनाने को तैयार है। देखिए करनाल से तरुण मदान की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस, और मैं इस समय मौजूद हूं करनाल के नगर निगम कार्यालय में। मैं आपको यहां दिखा दूं कि यहां पर नगर निगम के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। धरने पर क्यों बैठे हैं, इनकी क्या क्या मांगे हैं सरकार के प्रति और सरकार से क्या डिमांड चाहते हैं, क्या क्या इनकी मांगे, मैं इसे जानने का पूरा प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से अब जिस तरह से ये मेरे साथ खड़े हैं, इन सब ने आज भूख हड़ताल का ऐलान किया गया है। सर, सबसे पहले आपका समाचार एक्सप्रेस में स्वागत है, आपका शुभ नाम। मेरा नाम वीरभान बिडलान, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ जिला प्रधान। प्रधान जी, ये बताइए आज ये जो धरना है ये क्यों किया गया है? ये नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज 3 दिवसीय जो प्रोग्राम किया है भूख हड़ताल का, और ये छटनी के विरोध में जो किया है। सरकार छटनी का काम कर रही है, कच्चे कर्मचारियों को बाहर निकालने का काम कर रही है। पीछे के रास्ते से कुछ कर्मचारियों को अपने कर्मचारी लगाना चाहते हैं, अपने आदमी को लगाना चाहते हैं। मंत्री, मिनिस्टर, मेयर, ये सारे इसमें शामिल हैं। और जो 10-10 सालों से जो कर्मचारी यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है, माली है, बेलदार है, चपड़ासी है, चौकीदार है, जो लाइट का काम करता है शहर सड़कों पर, हम चाहते हैं प्रशासन उनको ठेका प्रथा बंद करके उनकी नौकरी पक्की करे, महकमे के रोल पर करे। देखिए, ये थे हमारे साथ यहाँ पर जिला प्रधान, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि ये धरने पर क्यों बैठे हैं। धरने पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनका सरकार के प्रति रोष है, सरकार छटनी का काम कर रही है। इन्होंने यहाँ तक आरोप भी लगाया है कि वो हम कच्चे कर्मचारियों को हटाकर पिछले दरवाजे से, यानी कि बैक डोर से अपने अपने चहेतों को लगाने का प्रयास करें। सर, आप यही कहना चाह रहे थे कि वो अपने चहेतों को लगाना चाहती हैं? बिल्कुल। सर, कितनों की छटनी अभी तक सरकार कर चुकी है? अभी ये तो स्टेट कमेटी बताएगी। हमारे पास जो आंदोलन की जो कॉल आई है, फिलहाल हमारे करनाल में तो फिलहाल नहीं हटाए गए, लेकिन कई कई जिलों में कर्मचारी नौकरी से बाहर है। सर, करनाल में कितने कर्मचारी हैं नगर पालिका के अंदर फिलहाल? फिलहाल तो ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं ये 32 से 35 ही हैं। 27 आदमी जो लाइट का काम करते हैं, माली है 20 माली हैं, बेलदार 25 हैं। इसी तरीके से कुल मिलाकर के 150-200 आदमी जो बनता है। हम चाहते हैं सरकार इनको ठेका प्रथा बंद करके इनको महकमे के रोल पर करे और नौकरी पक्की करे। देखिए जी, वीरभान बडलान जो कि जिला संघ के जिला प्रधान है, इन्होंने बताया कि प्रदेश कमेटी के आह्वान पर इन्होंने करनाल में 3 दिवसीय धरने का आयोजन किया। हालांकि करनाल में किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं हुई, लेकिन कुछ जिलों में कर्मचारियों को हटा दिया गया है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको फिर बता दूँ, इन्होंने जो स्पष्ट आरोप लगाया है कि जो मंत्री हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो राजनेता हैं, वो इन छोटे लोगों को जो कि पिछले 10-10 सालों से काम कर रहे हैं, उन सबको हटाकर
उन सबको हटाकर अपने चहेतों को पिछले दरवाजे से यानी कि अपने अपने चहेतों को नौकरी देना चाहती हैं। और जो पिछले कई कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, जो सड़कों पर काम करते हैं, जो भी निगम के काम है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने वाले हैं, उनको हटाया जा रहा है लगातार। करनाल में नहीं हटाया गया, कुछ जिलों में हटाया गया, इसका ये पूरा विरोध करते हैं। सर, अभी 3 दिवसीय कॉल आई है आपके पास, अगर 3 दिवसीय कॉल के दौरान सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो उसके बाद आपके आंदोलन का क्या प्रारूप रहेगा? जो स्टेट कमेटी है आह्वान करेगी, अपा उस पर खड़े उतरेंगे। अगर हड़ताल की कॉल आई तो हम प्रदेश का 32 का 32,000 कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा। सर, आज फिलहाल कितने लोग बैठे हैं भूख हड़ताल पर? अभी तो 11 आदमी बिठाए हमने, और कल इसको बढ़ाया जाएगा, परसों फिर बढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से ये 3 दिन का हम प्रोग्राम संपूर्ण करेंगे। अभी फिलहाल सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है, सफाई का कोई काम बंद नहीं है। अगर हम यहाँ पर आए हैं तो लंच टाइम में आए हैं सारे के सारे। मैं ये इन्होंने स्पष्ट ये भी कर दिया, देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है कि हालांकि ये हड़ताल पर आज 11 लोग हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार नहीं जागी, तो कल इस संख्या को बढ़ाया जाएगा, उसके बाद परसों फिर बढ़ाया जाएगा। लेकिन उन्होंने यह कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को बाधित नहीं होने दिया जा रहा, क्योंकि इन्होंने वही समय चुना है, लंच समय चुना है अपने धरने को देने के लिए, ताकि सफाई व्यवस्था बाधित ना हो और कर्मचारी अपने काम को करते रहे। मेरे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं जो भी इस समय मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम सिंह है। राम सिंह जी, आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से यही मांग है, जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, मालिया, बेलदार, इलेक्ट्रीशियन हैं, इनके लिए ये जो मान लेते 10-12 साल थे, कहीं तो 2010 में लगे हुए हैं और वो आज काम कर रहे हैं कंटिन्यू। एक उनका ASI EPF जो ठेकेदार ने जमा नहीं करा, और पेरोल के जो कर्मचारी मारे रहे हैं 198 आदमी, वो किस तरीके तरह इसी तरीके थे, ठेकेदार की बदमाशी, ठेकेदार ने जो उनका ASI PF जमा नहीं करा, नहीं जमा करने के बाद इन्होंने उसमें गैप दिखाया भी ये गैप है मतो इनको नहीं लाया जाएगा, दूसरों को लाया जाएगा, उनमें कसूर इनका नहीं है। यानी कि आपका ये कहना है कि ठेकेदार ने जो कर्मचारियों का PF की राशि बनती थी वो भी जमा नहीं करी, वो PF की राशि नहीं जमा करी, और वो इन कर्मचारियों को कसूर नहीं है, वो कर्मचारी को कसूर नहीं, ठेकेदार का कसूर है, और प्रशासन उस चीज़ ने नहीं देख रही है। इन्होंने कहता भी अगर जिसकी सैलरी है, या तो सैलरी हो या PF हो या SI हो, एक चीज़ अगर कंटिन्यू जाए तो हम उसको मान्य करेंगे, उसके बाद किसी की तनख्वाह पूरी है, ASI PF नहीं है, तो उनको बाहर निकाला गया। ये प्रशासन की मतलब कुछ मिली भक्ति या राजनेताओं की मिली भक्ति, इसके मिली भक्ति कारण इनको निकाला गया। और कंप्यूटर ऑपरेटर, माली, बेलदार, चपरासी, ये जितने भी लगे हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन, ये सारे के सारे बहुत पुराने लगे हुए हैं, दूसरे आदमी आकर कहीं कहीं से लग रहे हैं यहाँ पे, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हजार लाओ उस चीज़ का विरोध नहीं है, पर ये जो इतने इतने साल के पुराने लगे हुए हैं, इन बेचारों को भी यहीं रखा जाए, इनके रजिस्टरमेंट करी जाए, तो इस चीज़ का मांग करते हैं सरकार से। देखिए, ये राम सिंह जी थे हमारे साथ, जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इन्होंने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ठेकेदार ने जो कर्मचारियों के PF की राशि थी वो खातों में नहीं जमा कराई। इसमें इन्होंने प्रशासन और राजनेताओं की मिली भगत बताते हुए कहा कि प्रशासन जानबूझकर ऐसा कर रहा है। इन्होंने यह भी चेताया कि प्रशासन भले 1000 व्यक्ति और लगा दे, इन्हें उससे एतराज़ नहीं है, लेकिन पुराने कर्मचारियों को अगर हटाया जाएगा तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। आज हमारे साथ मेरे साथ एक और महिला नेता मौजूद हैं, ये भी शायद भूख, मैडम आप भी भूख हड़ताल पर? हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं और हमारे जो दफ्तर का कर्मचारी है, आज 3 दिन की कर्मिक भूख हड़ताल पर है। पूरा हरियाणा प्रदेश में ये हमारा प्रोग्राम चला हुआ है। इसके तहत हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि सरकार ये जो छटनी का काम कर रही है उस पर कहीं ना कहीं मतलब कर्मचारियों पर मार जो डाल रही है उस पर रोक लगाई जाए और हमारे कर्मचारियों को नियमित भर्ती करी जाए और 198 कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी के पद पर कार्य करते वो निकाल दिए गए हैं, जो कि उनको कंडीशन लगा दी गई है कि भाई ये टर्म पूरा नहीं कर रहे हैं। हम ये प्रशासन से मांग करते हैं, अपना जिला प्रशासन से, कि इन कर्मचारियों को देखते हुए कि कहीं ना कहीं इनके रोज़गार का सवाल है, इनके बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है, उसको देखते हुए इनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करें। और सरकार, मैडम अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती, 3 दिवसीय आपने जो ये धरने का आयोजन किया है, 3 दिन के बाद सरकार आपकी बात नहीं सुनती या सरकार आपकी मांगों पर विचार नहीं करती, तो उसके बाद आपका जो आंदोलन होगा या उसके लिए आपने क्या प्लान किया? इसके लिए हमारे जो राज्य कमेटी के अध्यक्ष हैं वहाँ से जो आह्वान होगा राज्य कमेटी का, हम उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे।
ये थे हमारे साथ नगर निगम की महिला नेता, ये खुद भी भूख हड़ताल पर बैठी। इनका कहना है कि सरकार को जो लोग पिछले 10-10, 12-12 सालों से रोजगार पे हैं और रोजगार पे हैं, उनको उनके परिवार को देखते हुए, उनके घर बार को देखते हुए सरकार को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि अगर 3 दिन के बाद सरकार नहीं जागती तो प्रदेश सरकार, इनकी जो प्रदेश की कमेटी है वो इन्हें जो आदेश करेगी वही ये करेंगे। मैं आपको यहाँ पर सुनवा भी देता हूँ कि किस तरह से ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं अपने। ये देखिए किस तरह से सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। ये नारे 3 दिन तक चलेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, आज 11 लोग भूख हड़ताल पर, कल इनकी संख्या बढ़ेगी, परसों इसकी संख्या बढ़ सकती है। इसके बाद अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो प्रदेश के 32,000 कर्मचारी किसी बड़े आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका यह कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती, सरकार उनकी मांगे नहीं मानती, वो पीछे नहीं हटेंगे। यह सरकार की सरासर सरकार की अगर तानाशाही कही जाए तो इसमें कोई गलत नहीं हो, क्योंकि इन्होंने गंभीर आरोप इन्होंने प्रशासन और राजनेताओं पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं कि इन सबकी मिलीभगत से ही कामगारों को और मजदूरों को या जो भी यहाँ पर नगर निगम में कार्यरत हैं उनमें से कुछ को निकाल दिया गया है, जो कि सरकार के तरह तानाशाही है। ठेकेदार पर आरोप लगे हैं कि उसने PF की राशि जमा नहीं कराई। प्रशासन पर आरोप लगे हैं कि वह बैकडोर से अपने चहेतों की भर्ती कर रही है। मैं एक बार फिर से नगर निगम कार्यालय से तरुण मैदान समाचार एक्सप्रेस के लिए सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।